भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चमोली उत्तराखंड, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना 72वां स्थापना दिवस कोरोना महामारी के चलते सादगी के साथ मनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीजी कॉलेज गोपेश्वर में वृक्षारोपण किया गया, साथ ही इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बता दें कि एबीपी अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा गोपेश्वर में भी वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही इस अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसमें तमाम एबीपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। अच्छा, आज एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण और मिष्ठान वितरण इत्यादि कार्यक्रम रखे हुए, और हमने कई पेड़ अभी लगा चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के साथ साथ 9 जुलाई 1949 से 70 और 72 वर्षों के इस कार्यकाल में इस राष्ट्रवादी संगठन ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना है। और आज 9 जुलाई 1949 के से और इन 72 वर्षों के साथ साथ हम लोग आज एक बड़ा परिवार हमारा बन चुका है, और इस बड़े परिवार में हमने 73 वर्षों के कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। छात्रों के लिए सदैव समर्पित रहता है और आज हम इसे बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हालांकि कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इसे मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ पर सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। लगभग 15 पेड़ हमने इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर लगाए हैं और आने वाले समय में यही पेड़ हमको यादगार साबित होंगे, सार्थक साबित होंगे। और उसके बाद हमारा विचार गोष्ठी का एक कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद मिष्ठान वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इस 9 जुलाई के शुभ अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारा यह कार्यक्रम